मारीना संदेश राय। आदरणीय सुखराम यादव जी, 2 साल बाद चुनाव है, 2022 का चुनाव हम जीत कर दिखाएं और उसके लिए आज ही रणनीति बना करके उस पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूं और बाकी जहां हम जीते हैं, जहां सम्मानजनक वोट मिला है, निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और वहां पर और अच्छे से काम होना चाहिए। स्पेशल रूप से हम पूरे जिले में रणनीति बनाए कि जिन बूथों पर हम चलते थे, कि जिन बूथों पर हम चुनाव जीतते हैं, चाहे जिन बूथों पर हमको सम्मानजनक वोट मिलता है, वहां के लोगों का सम्मान बढ़ना चाहिए। उधर से आग्रह करके जाए कि आने वाले किसी भी चुनाव में जीतना हमारा अलग चीज है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे बूथ पर हमारी पार्टी जीते। तब तो हम नेता कहलाने के काबिल है और सम्मान पाने के काबिल है, नहीं तो हम लोग राजनीति को भी छोड़ करके अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहिए और पार्टी को सहयोग देना चाहिए। एकदम मीडिया के बंधु, जब थाने पे मामला हुआ, जहां भी हुआ, इन लोगों ने हमेशा राजमंगल यादव और कांग्रेस पार्टी को उभारने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के लोगों को। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं 354 घोसी विधानसभा कांग्रेस का प्रत्याशी रहा और चुनाव के बाद लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, क्षेत्र की जनता ने जो सम्मान दिया, हमारे वरिष्ठ जनों ने जो सम्मान दिया, उसी के उपलक्ष्य में यह परंपरागत
कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा रही है आदरणीय हम सबकी नेता राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका दीदी ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है कि हम जिन जिन बूथों पर जीते हैं, जिन जिन बूथों पर सम्मानजनक वोट मिला है, उन सारे बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाए और जहां हमारी कमियां रही हैं वह कौन सी कमियां रही हैं उसे जाने और फिर आने वाले 22 वाले चुनाव के लिए उसे दूर किया जाए, दूर कर सकते हैं हम और सारे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया जा सके। इसी के संबंध में यह बूथ स्तर की कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तरफ से जो सर्टिफिकेट आया है वह सर्टिफिकेट मैं कार्यकर्ताओं को दूंगा बूथ स्तर के और उसके बाद उनको माला पहना करके स्वागत करने का काम करूंगा। इससे हमारी कांग्रेस 22 में पूर्ण रूप से मजबूती में मेरे साथ खड़ी दिखी देगी।